हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई प्ले लिस्ट ऑफ पैथोलॉजी विच वी आर डूइंग फ्राम रॉबिन्स मीडियम रॉबिन्स एंड वी आर डिस्कसिंग पैथोलॉजी एसोसिएटेड विद वेसल्स चैप्टर नंबर टेन है आज का टॉपिक है आर टी रियो तो नाम को जरा समझें आर स्केलेरो वर्ड स्केलेरो हम मेडिसिन uh, में यूज कर रहे होते हैं यूजली वैन देयर इज फाइब्रोटिक चेंजेस इन एनी स्ट्रक्चर सो स्केरोस या फाइब्रोसिस ऑफ लिवर फॉर एग्जाम्पल वहाँ फाइबरस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है और जब फाइबरस टिश्यू डिपॉजिट होगा तो दैट ऑर्गन इज गोइंग टू बिकम अ हार्ड ऑर्गन यानी उसमें ज़्यादा हार्डनेस आ जाएगी बिकॉज ऑफ द फाइबरस टिश्यू अब आर्टीरियो स्किलरोसिस लिटरली मीन्स यानी अगर इसके डिक्शनरी मतलब को हम देखें तो इट बिकम्स हार्डनिंग ऑफ आर्ट्रीज सो दैट वॉट इट इज हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज आर्टीरियो इज फॉर आर्ट्रीज एंड स्किलोसिस मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ फाइब्रस टिश्यू द्रक्चर बिकम्स हार्ड तो अगर इस वर्ड को मैं डेक्ट आउट करूँ कि आर्टीरियो स्किलरोसिस का मतलब क्या बनता है तो इट मीन्स कोई भी ऐसी पैथोलॉजी कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती हैं अच्छा ब्लड वेसल्स को एक्चुअली हार्ड होना नहीं चाहिए दे शुड बी वेरी कम्पलायट ब्लड वेसल्स यानी दे शुड हैव अ कैपेसिटी टू एक्सपेंड एंड देन कम बैक टू दर ओरिजिनल पोजिशन दिस इज वॉट वी कॉल द कम्पलायंस ऑफ ब्लड वैसल तो ऐसी ब्लड वैसल्स अगर होंगी सो ब्लड फ्लो ठीक ठाक होगा बट इफ़ दे बिकम स्टिफ स्ट्राक्चर्स इफ दे बिकम हार्ड स्ट्राक्चर्स देन दैट्स अ पैथोलॉजी ब्लड फ्लो वैसा नहीं रहेगा जैसा नॉर्मल होना चाहिए ओके सो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज इज आर्टीरियल स्कोसेज एंड इट इज अ जेनेरिक टर्म रिफ्लेक्टिंग आर्टीरियल वॉल थीकनिंग एंड द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी यानि अब आर्टरी के अंदर जो खिंचने की सलाहियत है जो इलास्टिसिटी है जो कंप्लायंस है वो अफेक्टेड है ओके वी हैव फोर डिस्टिंग टाइप्स विच आर रिकग्नाइज Under this category, and they are named here. The first one is known as arterioloesclerosis. The um, second name is small arteries or arterioles, basically affected, and they may cause downstream ischemic injury. The two variants are hyaline and hyperplastic arteriosclerosis. एंड दे हैव बिन डिस्कस्ड इन रिस्पेक्ट टू हाइपर टेंशन वो हमने ऑलरेडी एक डिफरेंट सेक्शन में बात कर रखी है बट यहाँ आपको इतना पता होना चाहिए कि हम आर्टरीज़ की हार्डनिंग की बात कर रहे हैं उनके स्टिफ होने की बात कर रहे हैं उनके लॉस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं उसकी चार कैटेगरीज हैं पहली अ डिजीज विच अफेक्ट और अ सेट ऑफ डिजीज विच अफेक्ट स्मॉल ब्लड वैसल सच इज स्मॉल आर्टरीज इन आर्टरी ऑल्स देयर इज अ सेकेंड कैटेगरी विच इज कॉल्ड मॉन्कबर्ग मीडियल इसकी क्या खास बात है इट इज़ केक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ कैल्सिफिक डिपॉजिट्स इन मस्कुलर आर्टरीज यूजुअली सेंटर्ड ऑन द इंटरनल इलास्टिक लैमिना एंड टिपिकली इन इंडिविजुअल्स ओल्डर दैन फिफ्टी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो बेसिकली मस्कुलर आर्टरीज में इंटरनल इलास्टिक लैमिना की पोजिशन पर कैल्सिफाइड डिपॉजिट्स हैं इन ओल्डर पेशेंट मोर देन फिफ्टी ईयर्स

इट्स अ नॉन एथरोलोरोटिक प्रोसेस अभी हम इस एथरोटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे इट्स अ प्रोसेस जिसमें एथरोटर्स प्लेक्स बन जाते हैं आर्ट्रीज की वॉल्स में बट डेट वन जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं फाइब्रो मस्कुलर इंटीमल हाइपाप्लेजिया इट्स अ नॉन एथरोटिक प्रोसेस एंड इट ऑल्सो हैपन्स इन मस्कुलर आर्टी देखें तीन कटिगरीज अभी तक की हैं इसमें से पहली कैटेगरी वॉज अफेक्टिंग स्मॉल आर्टरीज एंड आर्ट्रील द सेकेंड वन वॉज अफेक्टिंग मस्क्युलर आर्टरीज एंड दिस थर्ड वन इज़ आल्सो अफेक्टिंग मस्क्युलर आर्टरीज विच आर लार्जर दैन आर्ट्रॉल्स ओके now this category is predominantly an smooth muscle and extracellular matrix rich lesion driven by inflammation now this inflammation can be because of so many different things it can be because of persistent hypertension hypercholesterolemia things like that or there can be a mechanical injury किसी ने स्टेंट डाला है उन आर्टरीज में या बलून एंजियोप्लास्टी की है एंड देर इज लोकल इन्फ्लेशन एंड डैमेज उसकी वजह से भी एज अ रिस्पॉन्स टू द इंजरी देर इज इंटीमल हाइप्रोप्लेजी एंड फाइब्रोमस्कुलर यू नो एट्रोफी एंड स्टिफनिंग एंड हार्डनिंग होता बेसिकली ये है कि जब कभी हम कोई इंटरवेंशन करते हैं ना अब से फॉर एग्जाम्पल ये एक uh, आर्ट्री है और इसमें कोई एथ्रोमेटस प्लैक बन गया था एंड नाउ वॉट यू डू इज़ यू हैव इंसर्टेड अ बलून इन देयर कॉजिंग इट टू इनफ्लेट बलू ने जो प्लास्टिक और फिर आपने एक स्टैंड डाल दिया अब ये सारा काम करने में सोचो ना आपने नॉर्मल टिश्यूज़ के साथ काफ़ी सारी छेड़छाड़ की है उस छेड़छाड़ के नतीजे में यहाँ स्मूथ मसल सेल्स मौजूद हैं यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मौजूद है वो रिएक्ट करता है और वह रिएक्ट कभी कभार बहुत ज़्यादा कर जाता है और जब ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगा तो दे कैन भी फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लीजिया एंड स्टिफनिंग ऑफ दिस एरिया ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जब आप किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं द पेशेंट लाइंग ऑन द टेबल एंड यू आर डूइंग laparotomy for फॉर एग्जाम्पल आप उसका एबडमिन खोल रहे हैं अब ज़ाहिर स्किन पे कट लगाएंगे सबको टिश्यू पे कट लगाएंगे फिर फैट्स है फिर अंदर पैरिटोनियम है फिर ऑर्गन्स को ऊपर नीचे करेंगे आपको पता है सर्जन की कोशिश ये होती है कि ड्यूरिंग द सर्जरी ऑर्गन की मैनिपुलेशन कम से कम हो ऑर्गन की छेड़छाड़ कम से कम हो फजूल में ही नहीं कि स्टमक को इधर कर रहा है, इंटेस्टीन को उधर कर रहा है, क्यों रीजन उसका यह है कि आपके ऑर्गन्स को जितना मैनिपुलेट किया जाएगा उतना वो ऑर्गन रिएक्ट करेंगे और समटाइम्स रिएक्शन का मतलब है इट कैन लीड टू फाइब्रोसिस ऑब्वियसली रिएक्शन मीन्स देर विल बी इन्फ्लोमेशन देर विल बी डैमेज टू द टिश्यू एंड दिस कैन लीड टू फाइब्रोसिस और फाइब्रोसिस हो गई तो फिर वो सारा टिश्यू डैमेज हो जाएगा यार सोचो किसी जगह फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है तो वो टिश्यू स्टेफ हो जाएगा आर्टरीज का भी ऐसा ही है अगर कोई मैकेनिकल ट्रामा है तो स्टैंड वगैरह डाल रहे हैं बैलून जो प्लास्टिक कर रहे हैं सो योर आर्टरीज कैन रिएक्ट बाय बिकमिंग हार्ड बिकॉज ऑफ फाइब्रोमस्कुलर हाइपरपोलिजिया ओके तो हम बात कर रहे हैं उन तमाम पैथोलॉजीज की जिसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज हैं वो स्टिफ हो जाती हैं द फर्स्ट वन इज देन देर इज मॉकिन एंड देन देर इज फाइब्रोमस्कुलर इंटरनल हाइपरपोलोजिया द फोर्थ वन इज एथरोस्क्रॉसेस जो बहुत कॉमन है इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ एथ्रोमेटस प्लेक्स एंड हाई लिपिड प्रोफाइल ऑल दीज थिंग्स इसको अलग से पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मट रिमेंबर एथ्रोस्कलरोसिस की वजह से भी आपकी ब्लड वेसल्स स्टफ़ हो जाती हैं जब स्टफ़ हो जाएंगी तो फिर बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ डेवलप होते हैं इंक्लूडिंग हाइपर टेंशन एंड स्टेसिस ऑफ द ब्लड एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड प्लाक फॉर्मेशन, एंड स्कीमिया एंड वाट नॉट सो ब्लड वेसल्स का स्टिफ होना अच्छी चीज़ नहीं है ओके राइट यार ये नॉर्मल भी अच्छा नहीं है यार आप लोग बाइक चलाते हो अगर बाइक चलाते हो तो बाइक में पेट्रोल की टंकी होती है नीचे से एक नोज़ल आता है जिससे पेट्रोल निकल के कार्बेटर में जाता है यहाँ एक रबड़ पाइप लगाते हैं अगर ये रबड़ पाइप बहुत अरसे तक चेंज ना करें तो ये भी स्टिफ हो जाता है और आप स्टिफ पाइप पसंद नहीं करते ये रपच्चर हो सकता है लीक हो सकता है ब्रेक हो सकता है सो टाइम टू टाइम ये रबर पाइप चेंज करना चाहिए सेम हैपेंस इन जनरेटर सेम हैपेंस अगर आपके घर में गैस की लाइन आ रही है सो so वो जो पाइप है कुछ अर्से के बाद स्टिफ हो जाता है स्टिफ पाइप इज़ नॉट गुड बिल्कुल इसी तरह आपकी ब्लड वेसल्स भी स्टिफ आर नॉट गुड आपको ये चार कॉजेज़ याद रखनी हैं जिनकी वजह से ब्लड वेसल्स स्टिफ होती हैं मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मुझे कुछ कॉजेज़ बताइए जिनकी वजह से ब्लड वेसल्स स्टिफ हो जाती हैं ज़्यादातर स्टूडेंट मुझे ये जवाब देते हैं एथरस्कल लेकिन इसकी चार डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए उन चारों के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है टेक केयर ऑफ योसैफ आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में अपना ख्याल